नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। दोस्तों, आपका डागी अगर उल्टी करता है, दस्त करता है, खून की उल्टी या खून आता है दस्त में पतला, और बार बार करता है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, खाने का कुछ मन नहीं करता, और बहुत बदबूदार उल्टी और दस्त, बहुत ही ज़्यादा उल्टी दस्त करता है, सुई दवाई करवाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप समझ लीजिए पार्वोवायरल इन्फेक्शन की पहचान है। इसमें बुखार चढ़ता है कुत्ते को, और दस्त बहुत ज़्यादा होती है, उल्टी होती है, डिहाइड्रेट होने लगता है। तो इस तरह के केस जब भी होते हैं, आपके कुत्ते को इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं, पहले तो वैक्सीनेशन आपको मस्ट है, करा लेना चाहिए। अगर आपका कुत्ता बीमार हो जाता है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये 5 से 10 दिन 15 दिन तक लगातार रहता है। इसमें जो भी लक्षण आते हैं उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें डिहाइड्रेशन से उबारने के लिए फ्लूइड थेरेपी की ज़रूरत होती है, जो कि मस्ट होता है, सुबह शाम दोनों टाइम फ्लूइड थेरेपी बहुत ही ज़रूरत होती है। और जब तक आपका डॉगी, आपका पेट ठीक ना हो जाए, जब तक वो खाना शुरू ना कर दे, तब तक आप ड्रिप जरूर चढ़वाएं, उसको ना छोड़ें, साथ में एंटी इमेटिक और एंटी एसिड, एक एंटीबायोटिक और एक भी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगते रहते हैं। DNS या NS जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं, हमने DNS चढ़ाया था, 500 ml OD किया था, और साथ में इंजेक्शंस हमने 5 से 7 दिन इसका ट्रीटमेंट किया। अब ये देखिए स्थिति में है, ठीक है, इसने अपना पेडिग्री खाया, एक्टिव है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स हुआ।